तो ये देख सकते हैं थोड़ा सा जो है रात का चावल बचा हुआ है, इसमें मैंने हरा प्याज, हरी मिर्च और प्याज काटा हुआ है, और ये है मसाला और बेसन। ये सारे को मिक्स करके जो है मैं इसका एक राइस बॉल्स बनाने वाली हूँ, जो कि निशु को मैं खिलाती हूँ कभी कभी। तो ये है राइस बॉल, और बचे हुए चावल से आप बना सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। चावल फेंकने से तो अच्छा है, बचे हुए चावल को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने चावल और बेसन को जो है बहुत अच्छे से मैश किया था। तो ये देखिए एक भी चावल का दाना आप इसमें देख नहीं पाओगे कि आप इसमें एक भी चावल का दाना निकला है, और ये बहुत अच्छा राइस बॉल बना है। तो इस तरह आप भी बचे हुए चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने जो है चावल को बेसन में अच्छी तरीके से पानी का जो है छींटे दे दे के इसको मैश कर लिया है चावल को, ताकि ये बहुत कुरकुरा बनता है खाने में। चावल जो है इस तरीके से बेसन के साथ पकने के बाद बहुत कुरकुरा लगता है। तो आप इसे केचप और मेयोनी के साथ खा सकते हैं, जैसे मोमोज वगैरह का टेस्ट होता है बिल्कुल वैसे ही टेस्ट आएगा, और ये बहुत टेस्टी लगता है। ये देख सकते हैं ये रहा मेरा राइस बॉल। और अभी जो है मैंने रात से एक वीडियो अपलोडिंग के लिए डाल रखी है, और वो वीडियो जो है मेरी अभी तक अपलोड नहीं हुई है, पता नहीं क्यों। और अभी जो है करेक्ट 3 बज रहे हैं, और मैंने निशु ने कुछ खा कुछ कुछ हल्का फुल्का खा लिया है, और ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, हल्का फुल्का ही खाया है। और अभी जो है मैं थोड़ा सा कुछ स्पेशल बनाने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए इधर मैंने कुछ ठीक से बनाया नहीं है। तो मैं 2-3 आइटम बनाने वाली हूँ मैं, और आई थिंक मैं खीर वगैरह बनाऊँ, पूड़ियाँ वगैरह बनाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अभी मैं बनाऊँगी, और ये रात तक के लिए मैं पूरा रेडी कर रही हूँ, स्पेशली लंच के लिए नहीं, क्योंकि लंच के लिए तो मैं और निशु ही है, ज़्यादा कुछ तो खाएँगे नहीं। तो चलिए बनाते हैं, और मैं सोच रही हूँ कि गाजर का हलवा भी बना लूँ और एक खीर बना लूँ, 2-3 आइटम बनाऊँगी अच्छे से, देखते हैं क्या क्या बनता है। तो चलिए फटाफट काम स्टार्ट करते हैं। अभी ज़रूरत के लिए जितना बर्तन चाहिए था मैंने धो लिया है, और फटाफट मैं सबसे ज़्यादा पहले प्याज वगैरह काट के रेडी कर लेती हूँ, और उसके बाद शुरू करती हूँ अपना ब्लॉग। तो मैंने जो है गाजर को छील के धो के रख लिया है, और गाजर जो है मैंने थोड़ी देर में बनाना है आराम से तसल्ली से। पहले मैं बाकी और चीज़ों की तैयारी कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आराम से गाजर का हलवा बनाऊँगी। आप देख लीजिए वो रहा मैंने गाजर छील के धो के रख दिया है, और सबसे लास्ट में मैं गाजर का हलवा ही बनाऊँगी। तो पहले और चीज़ों की, मैं निशु के लिए एक स्वीट डिश बनानी है, तो पहले मैं उसे बना कर दे देती हूँ, फिर मैं बाकी चीज़ों की तैयारी करूँगी। तो गैस जो है मैंने ऑन कर दिया है, और सारी चीज़ों की मैं तैयारी कर रही हूँ। ये रहा एक अंडा लिया है मैंने, और निशु के लिए एक स्वीट डिश बना के देनी है, तो पहले मैं उसको स्वीट डिश बना के दे देती हूँ, उसके बाद ही कुछ करूँगी। ये था लेकिन बटर नहीं है, तो कोई बात नहीं, फिलहाल मैं ऐसे ही बना देती हूँ। तो ये रहा मेरा एक, और नाइफ़ की जो है मेरी धार बहुत कम हो गई है, तो इसकी धार करनी है, मैं घर पे ही इसकी धार करूँगी, अच्छा लगता है उसके लिए चीज़ों को प्रिपरेशन करना। और ये है वनीला एक्सचेंज, तो मैं इसमें डाल दूँगी। आई थिंक ये ढक्कन बंद है, कहीं ज़्यादा ना गिर जाए, तो थोड़ा सा डालना है बस, एक या दो बूंद डालना था। और इसमें डालना है मुझे थोड़ा सा शुगर, चीनी, मैं दोनों ही चीज़ बोल देती हूँ कभी कभी हिंदी इंग्लिश। तो ये रहा चीनी डाल दी मैंने इसमें, और गैस काफ़ी हीट हो गया, तो अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी। फेवरेट डिशेस भी है, बहुत सारी चीज़ें उसको बहुत पसंद आती है। तो आज जो है मैं 3-4 आइटम बनाने वाली हूँ, और ये मैंने सारी चीज़ें मंगा के रखी है।
आई होप सो कि मेरे बेटे को ये अच्छा लगे। तो अंडे को और देसी घी को चीनी वगैरह सब इसमें अच्छी तरीके से फिट चुका है और अब जो है मैं ब्रेड की कटिंग करने वाली हूँ। तो घी जो है मेरा गर्म हो चुका है और अभी मैंने कढ़ाई रखी है, इसमें भी मुझे कुछ बनाना है। तो सबसे पहले जो है मैं ब्रेड की कटिंग कर लेती हूँ, एक एक करके कटिंग करती हूँ मैं। और ये हिस्से को जो है अलग कर लेना है और इस हिस्से को भी फेंकना नहीं है, इस हिस्से को भी मैं बचा के रखने वाली हूँ और कर देती हूँ। और पहले मैं दो ट्राई करके देखती हूँ, फिर उसके बाद मैं और बनाऊँगी। तो ब्रेड की कटिंग हो चुकी है, किचन बहुत छोटा है तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है कुकिंग करने में। बहुत बड़े बड़े कमरे थे और यहाँ से 1000 रुपये कम भी रेंट था, बट ये मैंने डिप कर दिया है और इसे मैं तवे पे डाल देती हूँ फटाफट। आई होप कि मेरे बेटे को पसंद आए। तो मैं अपने बेटे के लिए कुछ ना कुछ डिशेस बनाती रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने बेटे के लिए कुकिंग करना। और किसी के लिए अच्छा लगे ना लगे, बट मैं अपने बेटे के लिए बहुत अच्छी अच्छी कुकिंग करती हूँ क्योंकि मुझे अपने बेटे को कोई ना कोई चीज़ें खिलानी बहुत पसंद है और होता है और स्वीट भी होता है तो और भी अच्छा लगता है। ये काफ़ी स्वीट होता है, ये मीठा होता है और बच्चे बहुत इजी खा लेते हैं। इसे रेडी होने देते हैं, मैं हाथ धो लेती हूँ। तो देख सकते हैं ये बन के रेडी हो चुका है मीठा ब्रेड और ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो ये जो है मैं निशु को देने जा रही हूँ खाने के लिए, फिर मैं बाकी चीज़ों की तैयारी कर लेती हूँ और भी आइटम बनाना है। देखती हूँ मैं क्या क्या चीज़ें बनाती हूँ आज। थोड़ा सा सामान फैला रहेगा क्योंकि मुझे ढेर सारी कुकिंग करनी है और दोबारा से जो है मैंने तवे को धो के रख दिया है। अब मैं इस पे जो है ये मूँगफलियाँ भुनने वाली हूँ और उसके बाद मैं जो है गुड़ की चिक्की बनाऊँगा। अच्छा लगता है खासकर अपने बेबी के लिए कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है और जब कुकिंग होती है तो साथ में। ये गाजर मैंने घिस लिया है और अब जो है यहाँ पे मैंने मूंगफली वगैरह भी भून के रख दिया है और फटाफट मैं सारी चीज़ों की तैयारी करती हूँ। और मैं सबसे पहले गाजर का हलवा बना लेती हूँ, उसके बाद जो है सब्जी अभी नहीं बनाऊँगी, थोड़ा रुक के बनाऊँगी। थोड़ी बहुत चीज़ें काफ़ी चीज़ें बन चुकी है तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी इलायची की, तो मैं इलायची वगैरह निकाल लेती हूँ इसमें। और उसके बाद जो है मैं इसमें घिसा हुआ गाजर डाल दूँगी। गैस थोड़ा ज़्यादा हो गया तो मैं गैस कम कर लेती हूँ 1 मिनट। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे मैंने गाजर जो है इस तरीके से गाजर का तड़का लगा, घी में तड़का लगा दिया है और ये जब तक पानी छोड़ेगा उसके बाद मैं इसमें दूध और खोया वगैरह इंक्लूड करूँगी। उसके बाद मैं अपनी और चीज़ों की तैयारी कर लेती हूँ, मुझे गुड़ की चिक्की बनानी है और उसके बाद फिर मैं सब्जी की तैयारी करूँगी। तो पहले दाल चावल और हल्का फुल्का खाने का मन करता है, गर्मियों में तो ज़्यादा लिक्विड पीने का मन करता है, लेकिन सर्दियों में यार इतने सारे ऑप्शन होते हैं, मतलब हम घर पे इतनी सारी चीज़ें बना सकते हैं, गाजर का हलवा और हरे मटर हो जाते हैं, बहुत हरी हरी सब्जियाँ हो जाती है, हरे प्याज हो जाते हैं, साग बॉइल। हाँ तो मैंने जो है इसमें दूध डाल दिया है, मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी और इलायची जो है मैंने इसमें पहले ही डाल दिया था। ये रहा मेरा चाय, एक तरफ चाय बन रही है। तो अब जो है मैं सब्जियों की तैयारी करूँगी, मेरा हलवा वगैरह तो सब हो गया, अब मैं इसमें खोया इंक्लूड कर देती हूँ और बाकी जो है मैं ऊपर से डालने वाली हूँ। तो चीनी मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मीठा अच्छा लगता है। और ये रहा मेरा खोया, आपको थोड़ा पास से दिखा देती हूँ। और रात को मैं इनसे भी और मंगाने वाली हूँ, देखती हूँ अगर ये लेके आते हैं तो। और ये बहुत टेस्टी बनने वाला है गाजर का हलवा। तो मेरा हलवा जो है रेडी हो चुका है, देख सकते हैं। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट डालने वाली हूँ ऊपर से, अभी घिस के रखने वाली हूँ नारियल और नारियल की बर्फी भी बनाऊंगी, लेकिन वो अभी नहीं बनाऊंगी, थोड़ा तसल्ली से बनाऊंगी। और क्योंकि सारी चीज़ों की तैयारी हो चुकी है और अब थोड़ा सा रेस्ट करूंगी, उसके बाद ही चीज़ें करूंगी। तो ये मेरा एकदम परफेक्ट वाला गाजर का हलवा रेडी हो चुका है, इसमें ड्राई फ्रूट पड़ चुके हैं सारे और काफ़ी टेस्टी लग रहा है देखने में।